बात अगली खबर की। 34वीं अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में शनिवार की शाम हसी ठाको के नाम रही। मेला समापन की पूर्व संध्या पर मुख्य चौपाल पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हास्य कवि सम्मेलन में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हास्य कवि सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी, सुरेश अवस्थी, मंजीत पॉपुलर मराठी आजाद शत्रु और यूसुफ भारद्वाज ने हास्य काव्य से पर्यटकों को खूब हंसाया। पद्मश्री हास्य कवि डॉक्टर सुनील जोशी ने अपनी हास्य व्यंग रचनाओं से पर्यटकों का मनोरंजन कर माहौल को हंसी ठहाकों से सराबोर कर दिया। सुनील जोशी ने कार्यक्रम की शुरुआत अपनी हास्य कविता मुस्लिफ थे अब वजीर हो गए से की। इसके अलावा उन्होंने अपनी कई हंसी के व्यंगात्मक रंगों से पर्यटकों को लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया। कवि सुरेश अवस्थी ने अरबों खरबों डकार गए आदि कविता से राजनीति पर वार किया तो हरियाणा के मशहूर कवि यूसुफ भारद्वाज ने हरियाणवी में सभा बांध दिया। इसी प्रकार हास्य कवि पॉपुलर मराठी विभाष शुक्ला मंजीत ने भी श्रोताओं को हंसी के जरिए में डुबकी लगवाई। मैं यूपी से आया हूँ, दोनों में थोड़ा फर्क है। अभी मंजीत सिंह ने बताया हरियाणा यूपी कैसे जुड़ता है। मंजीत जी, इन दिनों हरियाणा यूपी में एक बड़ा फर्क है। जी सर, आपने देखा धीरे धीरे करके कई बाबा जेल गए, उनमें से आधे से ज्यादा हरियाणा के। हरियाणा के लोग पहले बाबा बनाते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, बाद में जेल भेज देते हैं। और हम यूपी के लोग बाबा बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं, बाद में मुख्यमंत्री बना देते हैं। तालियां आपकी थोड़ी कमजोर है भाई साहब। मैं दरअसल हरियाणा का हूँ। कारण ये है कि हमारे यहाँ जब बाबा मिला पूरी फीस लेनी तो अपना भट्टो कहा है तो हम तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं जाते। अच्छा, एक और चला गया जी ताऊ, वो छोरों ने पूछ लिया जिसको गया था, मेरा ताऊ हलवा लेगा खीर। ताऊ बोला क्यों, तारे के कटोरी है। मैं बोला कटोरी तो बहुत है, फिर मैंने साले दोनों लिया। ये आनंद है, जवाब भी बढ़िया देते हैं। वो एक लड़के की दादी का बर्थडे था तो उस लड़के के बाप ने पूछ लिया, बोले बेटा कल तुम्हारी दादी का बर्थडे है, गिफ्ट में क्या दोगे। लड़का ने बोला जी फुटबॉल दूंगा। तो बाप ने पूछ लिया, बेटा बोला तुम्हारी दादी की उम्र फुटबॉल खेलने की। बोला क्यों, बोला पिछले महीने मेरा बर्थडे था, मेरी दादी ने मेरे को दीता भेंट कर दी। तो पूरा पूरा सम्मान है।